लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनाल खान। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि शिक्षा ही ऐसी चीज है जो लोगों की जिंदगी बनाती है और बिगाड़ती है, और अगर टीचर आपको कम संसाधनों से भी अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो भी आजकल के हालातों में, तो वाकई कमाल की बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज बेसिक शिक्षा की। आज एटा में वॉइस टीवी की टीम पहुंची प्राथमिक विद्यालय बदरिया, जहां बच्चों की संख्या है 160 के ऊपर, और हेड टीचर, सहायक अध्यापिका और शिक्षक मित्र सहित 3 का स्टाफ है और क्लास 5 है। कोई क्लास खाली ना रहे, इसके लिए 2 क्लास को आपस में बिठाकर पढ़ाई कराई जाती है। और जब टीम ने बच्चों से बात की तो उन्होंने भी वही कहा जो वॉइस की टीम ने देखा। सभी को तय समय पर खाना दिया गया और सभी को गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा रही है। 160 से ज्यादा बच्चों के लिए विद्यालय कैंपस में 2 सरकारी नल लगे हैं, जिनमें से 1 सही और 1 खराब है। खराब नल को सही कराने की उन्होंने जल्द सही कराने का वादा किया। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी अगर संवारनी है तो उसको शिक्षित कर दो, और उसकी ज़िंदगी अगर बर्बाद करनी है तो शिक्षा का जो अधिकार है उसको उस महरूम कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार लाख दावे कर रही है, लाख प्रयास कर रही है कि बेसिक शिक्षा में जो बदलाव हैं उनमें कई सारे बदलाव हैं, जैसे कि बेसिक जो बच्चे हैं, जो गाँव तबके के जो बच्चे हैं उनमें वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। कुछ प्रयास उनके अच्छे हैं, कुछ प्रयास ऐसे हैं जो बाकी में सफल साबित हो रहे हैं। कुछ आदेश ऐसे आए थे जिनके बीच में स्कूलों में कुछ अच्छा काम कराया गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़ कि अब हम अभी इस वक्त खड़े हैं प्राथमिक विद्यालय बदरिया में, जहाँ पे बहुत सारे काम कराए गए हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक टाइल्स का काम इस पूरे क्लास यहाँ 5 क्लास है जिनमें टाइल्स का काम कराया गया था, जिससे बच्चे भी टाइल्स में बैठ के अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लास है उसको क्लास को अच्छा बनाया गया है। अच्छा, दूसरा हम आपको फर्श दिखाना चाहेंगे। जो फर्श है वो इंटरलॉकिंग टाइल्स उसमें की गई हैं, जो अक्सर बहुत अच्छे स्कूलों में होती हैं, तो यहाँ के जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनमें थोड़ा आत्मविश्वास जगाने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। मेरे साथ एक जो सहायक अध्यापिका हैं वीना कुमारी जी, इस प्राथमिक विद्यालय बदरिया में यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ जो कुछ समस्याएं हैं उनको लेकर देखती हैं, और ये क्या चीज़ ऐसी है यहाँ पे जो उन अपने बच्चों को देती हैं जिससे कि वो आगे पढ़ सकें। मैडम, ये बताइए कि कुल कितने बच्चे हैं आपके इस स्कूल में? 172 है सर नामांकन। यहाँ पे जो बच्चे बच्चे हैं, डेली कितने बच्चों का आना होता है? 135 आते हैं सर। अच्छा, यहाँ डेली आते हैं। मीनू क्या रहता है आपके मिड डे मील का? मैडम, मीनू जो हम लोगों का मंडे को होता है सब्जी रोटी का, और फल माटा जाता है। ट्यूजडे में रहता है आपका दाल चावल का, वेडनेसडे में है दूध का, और उसके बाद आपका तहरी का होता है, और थर्सडे में सब्जी रोटी, और लास्ट जो थर्सडे होता है उसमें हमें फ्रूट बांटना होता है, आपने जो भी है सीजन का सीजन भी बांट दीजिए आप। और फ्राइडे में होता है सब्जी चावल का, सैटरडे में तहरी का। मैडम, जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ 170 के अबव बच्चे हैं, टीचर्स कितने हैं आपके यहाँ पे? 3 टीचर्स हैं, एक हेड है, एक असिस्टेंट, एक शिक्षा मित्र सर हैं। क्लास 5 हैं और टीचर 3? हाँ जी, छात्र संख्या के अकॉर्डिंग। कैसे मैनेज करते हैं 2 क्लास तो खाली? बहुत मुश्किल होता है मैनेज, लेकिन फिर करना पड़ता है, जब स्टाफ नहीं है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। विभाग को लिख के दिया आपने? कई बार लिख के दिया हुआ है एप्लीकेशन, हमने रिसीविंग भी ले रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है सर। कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जैसे हमने देखा स्कूल आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, उसके बाद एक जो हमें लगता है कि एक समस्या आ रही है केवल इस बात की कि जो आपका नल है वो खराब है, तो क्या कई बार प्रधान से आपने बात की? बिल्कुल सर, हमने एप्लीकेशन भी दे रखा है प्रधान को, अभी लास्ट हुआ क्या वीक भी दिया हुआ उनका एप्लीकेशन। क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कहा जैसे ही हमारा जैसे उनका अकाउंट पूरा सीज कर रखा है, जैसे ही ओपन होता है फिर कराते हैं काम, लेकिन छात्र के अकॉर्डिंग कम है, एक नल से नहीं हो पाता है हमारा जी। चलिए, ये थी वीना जी जो प्राथमिक अध्यापक जो प्राथमिक विद्यालय बदरिया में टीचर हैं, सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आज चूंकि जिनके हेड हैं वो आज किसी मीटिंग में जाने की वजह से बाहर गई हैं। क्लास बहुत अच्छे हैं, फर्श बहुत बढ़िया है, क्वालिटी की एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन समस्या इस बात की है कि 175 बच्चे हैं और अध्यापक 3 हैं, 2 क्लास मर्ज करनी पड़ती हैं डेली इनको, जिसमें ऐसा होता है कि कभी 3rd 4th इकट्ठे बैठाते हैं, 4th 5th बनाते हैं, लेकिन सिस्टम बना रहे हैं अपना। सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए इस तरफ कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो टीचर उसी हिसाब से होना चाहिए। संतोष कुमार, वॉइस टीवी, एटा। मेरे विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय बदरिया।
मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं, समय पर स्कूल भी खुलता है और खाना भी अच्छा मिलता है, बहुत अच्छी भी शिक्षा मिलती है हम लोगों को, अच्छे भी कपड़े मिलते हैं, अच्छा भी बैग मिलता है, अच्छे शूज भी मिलते हैं। अच्छा तो ये बताइए बेटा, ये आपको जो मिड डे मील है मेनू के हिसाब से मिलता है? यस। क्या मिलता है खाने में? खाने में रोटी, चावल, दाल, खीर, पूड़ी। फल मिलते हैं आपको? यस। फल में क्या मिलता है? सेब, संतरा, केला। दूध भी मिलता है? यस।